उफनती नदी तो बहुत देखी होगी आपने, उफनते नाले भी देखे होंगे। क्या आपने उफनती सड़कें देखी है? नहीं देखा है तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस वक्त जगदलपुर शहर के बीचों बीच मौजूद है और यहाँ पर नालों से नहीं सड़कों से पानी बहता है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, पीछे ये देखिए, ये उफनते नालों के जैसा प्रतीत होता है। और यहाँ पर ये जो नालियाँ बनी हुई है वो तो दिख नहीं रही है, किस प्रकार से जो यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ा हुआ है कल रात की जो बारिश हुई थी उसकी वजह से। और यहाँ पर देखिए, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का जो है यहाँ पर पानी जल भराव ऐसे हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गंदा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर घुस जाता है। और यहाँ पर देखिए, प्रत्येक वर्ष का है ये बताया जा रहा है, उधर ऊंचा इलाका होने की वजह से इस और हमेशा से ऐसे जल भराव हो जाता है बारिश के समय। अब आप बताइए, ये जो नज़ारा इधर दिखाइए, ये नदी की तरह ज़्यादा प्रतीत होता है, ना कि कोई सड़क की तरह, जबकि सीसी सड़क बनी हुई है, नालियाँ जो बनी हुई है नाम मात्र की नालियाँ बनी हुई है। और ऊपर से जब बारिश होता है तो आलम कुछ ऐसा होता है कि पानी जो है नालियों से कम और सड़कों से ज़्यादा गुजरती है। अब इधर भी दिखा दीजिए, ये भाई साहब घर से निकलना इनका दुष्पार हो गया है, बूढ़े लोग भी घर में हैं, अब इनके घर में पानी घुस रहा है, बताइए क्या करेंगे। और इस और देखिए, जहाँ तक दिखाई देगा आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। ये ड्रेनेज व्यवस्था है जगदलपुर की, सिर्फ इसी जगह पे नहीं है, ये गंगानगर वाड़ी से बोला जाता है, सिर्फ इसी जगह पे नहीं है, शहर के कई और ऐसे इलाके हैं, यहाँ तक कि मुख्य सड़कों में भी शहर के ऐसे ही आलम है। नालों से पानी नहीं, यहाँ पर सड़कों से पानी गुजरती है। जगदलपुर में नदियों में उफान कम और सड़कों में उफान ज़्यादा आता है। अभी आप ही बताइए कि नालियों की व्यवस्था कैसी है जगदलपुर में, कि नालियों से पानी नहीं गुजर रहा है और सड़कों में इस प्रकार से जल भराव हो जा रहा है। दैनिक जीवन का जो रूटीन है इनका अस्त व्यस्त हो जाता है, इस प्रकार से जल भराव हो जाता है, बताइए लोगों का घर से निकलना दुष्भार है। अब इस और दिखाइए, यहाँ तो उफान मार रही है, ये देखिए उधर से कुछ बच्चे आ रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से जो है यहाँ पर उफान मारते हुए रोड के ऊपर से पानी गुजर रही है। इस प्रकार से जो है जगदलपुर की ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है कि बारिश में कई कई वार्ड वासियों को जो है इस प्रकार जल भराव का सामना करना पड़ता है, और ये जो पानी है सीधा यहाँ से रोड से होते हुए बह रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गंगानगर वार्ड के वार्डवासी, इनसे ही पूछेंगे कि भैया आपका नाम बताएंगे। हेमलाल यादव। यादव जी, इतना जो जल भराव यहाँ पर हो जाता है, किस प्रकार से जो है नालों से कम और सड़कों से पानी ज़्यादा गुजर रहा है, क्या इसकी शिकायत नगर निगम में आप लोगों ने नहीं की? बहुत बार की है। तो इसका निराकरण आखिर क्यों नहीं होता है, क्या लगता है आपको? नगर निगम और कलेक्टर साहब जाने और पार्षद जाने, ये तो हर साल की समस्या है, ये पहला साल नहीं है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आज तक ये समस्या दूर नहीं हो पा, नहीं निकलेगा समाधान, निकलेगा विद्या ज्योति के आगे से, क्योंकि वहाँ बहुत सकरा नाली है, वो नाली को जब तक नहीं चौड़ा किया जाएगा वहाँ तक का समाधान नहीं निकल पाएगा। इसको यहाँ पे चौड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, चौड़ा वहाँ पे किया जाएगा विद्या ज्योति के पास, उधर से चौड़ा होते जाएगा तभी ये पानी का सप्लाई निकलेगा। नालियों की व्यवस्था कहीं और, नाली सकरा होता है जल भराव कहीं और हो जाता है, ऐसा इनका कहना है। अब आप ही बताइए, इस प्रकार से नालियों की व्यवस्था है, ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, आधुनिक युग में जी रहे हैं, कमाल की इंजीनियरिंग है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से वार्ड वासियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे, आपका नाम बताएंगे भैया? मेरा नाम कैलाश है। कैलाश जी, एक बात बताइए, इस प्रकार की समस्या ये आप लोगों के जो है मोहल्ले में बनी हुई है, तो इसकी शिकायत आप पार्षद से नहीं करते क्या, या फिर करते हैं तो वो क्या कहते हैं? हम लोग करते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मोहल्ला में हर साल पानी भरता है, अब उसका समस्या अब पार्षद ही निकालेंगे, हम तो बोलते रहते हैं। तो इनकी आस पार्षद के ऊपर है, अब पार्षद जी जो चाहेंगे वही हो सकता है, इनका कहना है ये जो समस्या है लगातार यहाँ पर बनी हुई है। किस प्रकार से की गई है इसका साफ तौर पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस नज़ारे को देख करके, कल की बारिश की वजह से जिस प्रकार से यहाँ पर पानी का जल भराव हो गया है और लोगों के घरों में किस प्रकार से जो है पानी भरता जा रहा है, इसको लेकर के वार्डवासी तो परेशान है ही, साथ में नाली की व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त की गई है। यहाँ दिखाइए, ये देखिए, ये रहा उस ग्राउंड का लेवल, आप देखिए, और यहाँ पर नाली देखिए कितने ऊपर बनाया गया है, या तो इस नाली का सफाई नहीं किया गया है या फिर इस नाली का गहरीकरण नहीं किया गया है। यहाँ पर वार्ड के कुछ लोग हैं, इनसे ही पूछते हैं आखिर इसका आलम क्या है और किस प्रकार से बारिश में इन लोग यहाँ पर रहते हैं। आपका शुभ नाम बताएंगे? दिनेश। दिनेश जी, एक बात बताइए, किस प्रकार से जो है वो नाली वहाँ से यहाँ कनेक्ट करता है और ये इतना हाइट में बना दिया गया है, पानी नहीं जा पा रहा है, अभी आप इसमें डंडे से साफ कर रहे थे। हाँ, वो क्या है, ऊंचाई है ना, ऊंचाई में कहाँ पानी निकलेगा, पूरा तो गहरा रहता तो पानी निकलता, इसलिए पानी जल भरा हो रहा है। तो ये जो इसमें नाली बनाया गया है, इस प्रकार से नाली बनाया गया है कि उधर है नीचे गहरा
और यहाँ हो गया है ऊंचा, दिखाइए इधर दिखाइए, उतना पानी यहाँ से पास कैसे होगा जब इतनी जगह में इसको, ये दिखाइए इस प्रकार से जो है पानी यहाँ पास किया जा रहा है अभी डंडे से कुरेद करके। और इस प्रकार का आलम यहाँ पर बना हुआ है कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है, गाड़ियाँ डूबी हुई है। ये जगदलपुर के एक वार्ड है, गंगानगर वार्ड इसे बोला जाता है। अब आदमी यहाँ से पैदल जाए या तैर के जाए, अब बताइए लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है।